सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. हमने पढ़ा था कि कैसे डीएनए जो है वो अपने जैसी कॉपी जो है वो तैयार करता है जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन. जब वन सेल अंडरगोज सेल डिवीजन, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेशन का मतलब है कि वो रेप्लिका तैयार करता है, अपने जैसी कॉपीज तैयार करता है. और हमने इस प्रोसेस को देखा था, इट इज़ एन एंजाइम बेस्ड प्रोसेस. सारा का सारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये एंजाइम्स की मदद से जो है वो होता है. आज हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट सा प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन 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 हमने देखा कि डीएनए की दो खासियत है. दो डीएनए की खासियत है. एक जो है डीएनए की ये खासियत है कि वो डीएनए तैयार करता है, जिसको हमने कहा रेप्लिकेशन. और दूसरी खासियत इसी डीएनए की ही कि डीएनए जो है वो आरएनए भी तैयार करता है. हमने इसको कहा, इस प्रोसेस को, जब डीएनए से डीएनए बनता है हमने कहा रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से आरएनए तैयार होता है हमने इसको कहा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से जीन जो है वो एक्सप्रेस कर पाता है. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का तैयार होना. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का तैयार होना, एमआरएनए का तैयार होना. ठीक. अब ये जो डीएनए से आरएनए जो है तैयार होता है ये एक एंजाइम की वजह से होता है. इसमें भी एक एंजाइम जो मेन एंजाइम काम करता है, दैट इज पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. आरएनए पॉलीमरेज जो है इस पूरे प्रोसेस में काम करता है, जो डीएनए से आरएनए की कॉपीज तैयार करता है. अब हमने देखा था डीएनए याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला जो स्टेप है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन इज फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, मींस दैट पार्ट ऑफ डीएनए और द जीन व्हेन इट एक्सप्रेसेस एंड इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. नियर अबाउट 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन अपनी बात करें हम, ह्यूमन जीनोम देयर आर नियर अबाउट 30,000 जीन्स which are going to express in form 30,000 proteins, right? हमने देखा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, हमने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है. नाउ ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ये इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला स्टेप होगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन. नाउ डीएनए आरएनए तैयार कैसे करता है, डीएनए से आरएनए तैयार कैसे होता है, ये भी किसके अंदर होगा, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होगा. ये प्रोसेस भी कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर. ठीक. हमें पता है जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है विच इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है हमारा ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो हमें पता है कि डीएनए से ही जो है, ये डीएनए ही है जो तैयार करने जा रहा है आरएनए. अब आरएनए कैसे तैयार करेगा, हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. देर आर
certain regions over the DNA. जब DNA से RNA तैयार होने जा रहा होता है, तब पहली चीज क्या होती है कि जो RNA polymerase enzyme है, which is the main enzyme of this process, transcription, ये RNA polymerase किन जगहों पर एक्ट करता है DNA पे? कुछ खास जगहें हैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, उन खास जगहों को हम कहते हैं प्रमोटर। जहां से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा, जहां पर RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा, उस जगह को हम कहते हैं प्रमोटर। ठीक, दूसरी बात, ये DNA RNA बनाने जहां जा रहा है, और यहां पर जैसे प्रमोटर रीजन है, वैसे यहां पर टर्मिनेटर रीजन है। This process of transcription, it is completed into three main steps. इसमें तीन steps होंगे। पहला step, इसमें initiation होगी। Initiation, शुरुआत कहाँ से होगी इस process का? ये शुरू कहाँ से होगा? कैसे होगा शुरू? और इस process को हम कहेंगे initiation। Number second is elongation. Elongation की कैसे RNA polymerase bases को जोड़ेगा और कैसे कहां तक जोड़ेगा उसको हम देखेंगे, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जोड़ेगा वो भी हम देखेंगे। नंबर थर्ड इज टर्मिनेशन। सो दीज आर द थ्री मेन स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, DNA से जो RNA का बनने वाला जो पूरा प्रोसेस है, इस ये प्रोसेस तीन स्टेप्स में होगा। इनिशिएशन की शुरुआत कहाँ से होगी, RNA पॉलीमरेज कैसे शुरुआत करेगा, कहाँ से DNA में जुड़ेगा, कैसे बेसिस को जोड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इनिशिएशन में देखेंगे। फिर इलॉन्गेशन, हम देखेंगे कि जो DNA पॉलीमरेज जुड़ा, वो DNA पॉलीमरेज ने किस एंड से लेके किस 5 डैश एंड से 3 डैश की तरफ जोड़ेगा, या 3 डैश से 5 डैश की तरफ जोड़ेगा, वो हम देखेंगे। और टर्मिनेशन, फिर जो DNA जो यहाँ पर कंप्लीट होगा, जब यहाँ पर सिंथेसिस कंप्लीट होगी, उस DNA को अलग कैसे होगा उसको हम देखेंगे। और वो जो अलग होगा, वो जो DNA से RNA बनेगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर, दैट न्यूक्लियस के अंदर जो DNA से RNA तैयार होगा, जो DNA से RNA तैयार होगा, ये RNA सेल के न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा और जाएगा कहाँ? राइबोसोम्स के पास, जहां पर क्या होगी, इस RNA की मदद से होगी प्रोटीन सिंथेसिस। वो RNA का सेगमेंट जो mRNA जो तैयार हो रहा है DNA से, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, वो RNA सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकलकर कहां जाएगा? फिर राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स में क्या होगी इसकी, यहां से क्या होगी फिर? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? बिकॉज राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रोसेस जो है इनिशिएशन, सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस का है इनिशिएशन। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जो DNA RNA बनाने जा रहा है, उस DNA का एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा RNA की सिंथेसिस में। देखिए, जबकि हमने DNA से, जब DNA की सिंथेसिस हम देख रहे थे, जब हम रेप्लिकेशन देख रहे थे, हमने देखा था कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर इन्वॉल्व एंड बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व हो रहे थे और दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट कर रहे थे टेम्पलेट, और दोनों स्ट्रैंड से दो अलग अलग कॉपीज बन रही थी DNA की, सेमी कंजर्वेशन अगर आपको याद हो।
नाउ यहां पर सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा और एक ही स्ट्रैंड से तैयार होगी आरएनए की कॉपी। वो स्ट्रैंड जो इन्वॉल्व होगा आरएनए की सिंथेसिस में, इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे, क्या कहेंगे शब्द, इसको भी हम कहेंगे टेम्पलेट। क्या कहेंगे? टेम्पलेट, राइट। जो स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रहा है आरएनए की सिंथेसिस में, इस स्ट्रैंड को भी हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट, टेम्पलेट, राइट। अब देयर आर सर्टेन रीजंस ओवर डीएनए जहां पर आरएनए पॉलीमरेज़ को पता है कि उसको आरएनए की सिंथेसिस कहां से शुरू करनी है और कहां तक लेके जाना, कहां पर रोकना है, इसको पता है। कितने, देखिए डीएनए पे रीजन्स हैं, डीएनए पे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, डीएनए है इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, हमें पता है। डीएनए पे कोडिंग रीजन्स भी हैं और नॉन कोडॉन्स भी हैं, हमें पता है। 95% ऑफ द डीएनए, 95% ऑफ द डीएनए है नॉन कोडॉन्स, नॉन कोडॉन्स, नॉन कोडॉन्स, राइट। सो डीएनए के ऊपर जो कोडिंग रीजन्स हैं, ठीक, उन कोडिंग रीजन्स में प्रमोटर्स हैं और टर्मिनेटर्स हैं। जहां पर, जिस प्रमोटर्स पर पता है आरएनए पॉलीमरेज को कि मुझे जुड़ना है और मुझे यहां से इनिशिएशन करनी है, राइट। यहां से क्या करनी है इसने? इनिशिएशन। सो जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो डीएनए जो है वो क्या करता है, डीएनए क्या करना शुरू करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब वो आरएनए की कॉपीज तैयार करेगा। हमने प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन को देखना, राइट। आरएनए, ये भी इंपॉर्टेंट, आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है उस रीजन पे, जिस रीजन पे, देखिए हमने आरएनए, हमने रेप्लिकेशन में देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज, व्हिच इज द मेन एंजाइम ऑफ द रेप्लिकेशन, हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज जो है कहाँ से शुरू करता है, जहाँ पर एडेनिन की बेसिस होती हैं, एडेनिन वाली बेसिस, उन जगहों पर अक्सर शुरुआत होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, हमने देखा था जो यहाँ पर। लेकिन इनके हिसाब ट्रांसक्रिप्शन, देखिए देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर बेसिस, दीज आर न्यूक्लियोटाइड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। अब आरएनए पॉलीमरेज को करना क्या है? आरएनए पॉलीमरेज को इसके अगेंस्ट वाली बेसिस को लाना है। आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ेगा प्रमोटर वाली साइट पे, और आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद करेगा क्या? इस डीएनए को अलग करेगा। सबसे पहली चीज यहां पर क्या होगा, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होंगे वो अलग होंगे, अलग होंगे। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जिस साइट पे जुड़ेगा, उसके बाद इसको रीड करेगा, इन बेसिस को रीड करेगा, और इन बेसिस को रीड करने के बाद अकॉर्डिंगली, इनके अकॉर्डिंग क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस लेके आएगा और उनको जोड़ना शुरू करेगा। अब हमें पता है कि इनके सब डीएनए सिंथेसिस एडेनिन जुड़ता है किसके साथ, थायमिन के साथ, बट इनके सब आरएनए सिंथेसिस, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो थायमिन की जगह यूरेसिल लेके आता है। एडेनिन के साथ जोड़ता किसे? यूरेसिल। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज एडेनिन हियर, जोड़ेगा किसको यहां पर? यूरेसिल। रेस्ट ऑफ द जो हमारे पास बेसिस है उनको सेम रखेगा, बस एक हिसाब को किसको जोड़ता जाएगा? यू। और इसको हम कहते हैं इलोंगेशन। क्या कहते हैं? इलोंगेशन।
बेसिस का जुड़ना कहाँ तक, टर्मिनेटर वाले रीजन तक बेसिस जुड़ेंगे और इस वाले रीजन पे स्टॉप होगा, दिस इज स्टॉप रीजन। टर्मिनेटर को हम क्या कहते हैं, स्टॉप रीजन भी कहते हैं। यहाँ पर इलॉन्गेशन खत्म होगी, यहाँ पर बेसिस का जुड़ना जो है खत्म होगा, राइट। और ये प्रोसेस ऐसे चलेगा, फिर आएगा हमारे पास टर्मिनेटर, स्टॉप रीजन। क्या आएगा, स्टॉप रीजन। स्टॉप अब यहां पर होगा और जो ही यहां पर स्टॉप रीजन आएगा, टर्मिनेटर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। अब बेसिस को लाना बंद कर देगा, अब क्या होगी इसकी टर्मिनेशन। ये आरएनए जो तैयार हुआ यहां पर, ये क्या होगा, अलग होगा। ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड ये वाला जो आरएनए है, आरएनए क्या होगा, अलग होगा यहां से, राइट। क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। और जो डीएनए है फिर से बाइंड होगा, डीएनए फिर से बाइंड होगा विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइगेज, राइट। सो जो आरएनए यहां पर रिलीज हुआ, दिस इज एमआरएनए व्हिच इज फॉर्मड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट से बना हुआ एमआरएनए जो है वो तैयार हो चुका है। आरएनए को जो है ये न्यूक्लियस से बाहर जो है वो लाया जाएगा, फेंका जाएगा और फिर ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स के पास ये जाएगा और वहाँ पर क्या होगी फिर, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज हाउ जीन एक्सप्रेस, दिस इज हाउ जीन जो है वो एक्सप्रेस कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, राइट। होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। जिस भी बच्चे को जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा वो मुझे जो है इनबॉक्स में पूछ सकता है इसके बारे में, राइट।